परिवार की ओर से हैप्पी होली। हैप्पी होली एवरीवन। और खूब अच्छे से आप लोग एंजॉय करिए, और मैंने बहुत एंजॉय किया है। देख सकते हो आप अनिका की, देखो कलर में खेल रही है। ये देखो अनिका को भूतनी बन गई। तो गाइस मैंने तो बहुत एंजॉय करा है, आपने किया है, सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम देखो सब फैला पड़ा हुआ है। और गाइस मैं अब जा रही हूँ सफाई करने, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है, और आज का ब्लॉग अभी आपको रात में मिल जाएगा, तो प्लीज देखिएगा जरूर, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्यार देना। और अभी फिर होली है, बुरा न मानो, होली है बुरा न मानो, भूतनी इधर देख भूतनी। अनका बताओ कहाँ जा रही हो बेटा? घर। क्या करने? होली खेलने। तो अनिका जा रही है दादी के घर होली खेलने। बाय 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 अनिका बेटा, जल्दी आना। तो गाइस मैं यहाँ पे अपने बाबू के कलर लगाने जा रही हूँ, तो ये गुलाल है और अनिका गोदी पे चढ़ी हुई है। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया गाइस, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतना मज़े आए। मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत शोर, मैं बहुत तेज तेज से हंस रही थी, आप डर जाते बस इसलिए। और बहुत इंजॉय किया, और क्या बताऊँ मैं आपको, आप खुद ही देख लो, बाबू की कान में चला गया था इसलिए वो झाड़, ये देखो मैंने उनके कान में ही भर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा मज़े आए सच में गाइस, लेकिन मैं आज के दिन अपने घर को बहुत मिस कर रही थी। वहाँ बहुत अच्छे से मतलब खेलते बाहर जाके, बस यहाँ मैं, हम लोगों ने ही खेले हैं फैमिली में ही बस, तो यही है। लेकिन मज़ा आए बहुत, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मज़े आए हैं। तो यहाँ मुझे मेरे बाबू लगा रहे हैं कलर, तो मुझ पर छिड़क रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हवन कर रहे हों। बहुत मज़ा आया, बाबू का चेहरा देखो कैसा हो गया है। हम लोग नीले पीले हरे गुलाबी सब हो गए हैं, और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को लगा रही। बेटी तो मेरी खूब सारी मस्ती करी है मेरे साथ में, वो मेरे होली खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो ये देख सकते हो आप। तो गाइस यहाँ पे मेरे देवर जी आए हुए थे, ये मेरे बड़े पापा जो बड़े ससुर जी हैं, उनका छोटा वाला बेटा है, तो ये मेरे छोटे से देवर जी हैं। और मुझे रंग लगाने गांव से यहाँ पे आए थे, और बहुत सारे देवर आए थे, पर उस टाइम पे मेरा मतलब क्या, मैं सूट नहीं कर पाई, अचानक से वो सुबह ही सुबह आ गए थे। एक मेरे देवर हैं ये पास में रहते हैं, तो मेरा सूट नहीं हो पाया था, लेकिन ये सब मैंने सूट किया था। वो मेरे देवर जी थे, और यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने कैमरा पहले से सेट कर दिया था, ये मेरे देवर जी हैं, यानी कि मेरे जो बाबू हैं, बाबू उनके भाई हैं, यानी कि मेरे देवर जी, इनका नाम छोटू है, शैलेश नाम है, सब घर में प्यार से छोटू छोटू बोलते हैं। तो ये मेरे देवर जी हैं,
यही है एक मेरे अकेले देवर जी। वैसे तो बहुत सारे देवर जी हैं, देवर हैं, तो मैं उनको रंग लगा रही हूँ। तो वो पहले से ही भूत बने हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया, तो वही मेरा ही रंग लेके वो भी मुझे लगा रहे, क्योंकि मुझे पहले लगा चुके थे इसलिए। के बराबर ऐसे यस। अरे वाह, ठीक ऐसे वाला भी करना है। देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो बिट्टू, ऐसे। तो फिर गाइस मैं यहाँ पे भून रही हूँ सारे अपने नाश्ता, तो सारे एक एक करके मैं भून लूँगी। तो थोड़ा बहुत सूट किया था, ज़्यादा मैंने नहीं सूट करा है, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा बहुत लग जाता। तो जितना भी है सूट किया वो मैं आपको दिखा रही हूँ बस। तो क्योंकि मैंने खाना जो भी बनाया था वो मैंने नहीं सूट किया है, उन्हें बहुत टाइम लग जाता, मैंने सारा अकेले ही बनाया था। तो बस यही नाश्ता मैंने सूट कर लिया है, तो वही मैंने क्लिप ऐड कर दी है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा आज का वीडियो। प्लीज़ गाइज फुल वॉच करना और बताना कि मेरा आज का वीडियो आपको होली का स्पेशल कैसा लगा। मुझे तो बहुत मज़े आए, और आप लोग भी इन्जॉय करना। तो मेरे सारे नाश्ता ही मैंने भून लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे नाश्ता मैंने भून के कंप्लीट कर दिया है। अभी मेरा खाना नहीं कंप्लीट हुआ था, फिर यहाँ पे मैं सारा नाश्ता लगा रही हूँ, क्योंकि अभी सभी लोग आने लगे हैं, तो वही मैं भर रही थी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा है। तो गाइस मैंने लगा दिया है नाश्ता, तो बीच में मैंने बिस्किट रख दिए हैं, इधर साइड में काजू, और ऊपर है मटी और गुजिया, मीठी नमकीन, खट्टी मीठी नमकीन मैंने इतना रख दिया है। बाकी चिप्स पापड़ सब मैं अलग ट्रे में रखूंगी, तो इसे मैं बाहर भिजवा दूंगी। तो ये बाकी का मैं अपना अलग लगा लूंगी। ये देखिए सब रखा हुआ है। हे गाइस सारे काम हो गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ, और बेटी मेरी रेडी हो गई थी पर वो सो गई है निका भी। और मैंने ये देखी गोल्डन कलर के एयररिंग्स पहने हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, और बस थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ कि होली है ना तो अच्छा लगता है। और कुछ नहीं, बस अभी बाहर सब लोग आने लगे हैं और अंदर अभी कोई नहीं आया है, जब आएंगे तो आप लोगों से भी मिलवाएंगे। तो तब तक के लिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस 7 हो गया है, 7 बज गया है, और अनिका सो के उठ के, और मैंने उसे फिर रेडी कर दिया है। रेडी थी बस, उसके बालों को सही कर दिया है। वो गई अपनी फ्रेंड के वहाँ होली मिलने। मम्मा मैं फ्रेंड के घर जाऊँगी होली मिलने, तो पास में है, तो उसके पापा छोड़ के आ गए। मेरा कलर अभी तक नहीं निकला है, पता नहीं क्यों, गुलाल में भी कलर है, यहाँ पे भी है, मतलब बहुत जगह है, कलर नहीं निकला है। तो मैं अभी पी रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे मेरा हो रहा है सिर दर्द। क्यों, किस लिए हो रहा है, क्योंकि कल से मेरे वहाँ दूध नहीं मिल रहा है, तो काली चाय बन, किसी को भी नहीं पसंद है काली चाय, तो आज शाम को आखिर मैंने काली चाय बनाई ली है, तो आज मैं अनिका के कप में पी रही हूँ। सिर दर्द की वजह से मैंने काली चाय बनाई है, वो पी रही हूँ। तो गाइस बच्चे तो भी लेट में आएंगे, मतलब जो मिलने वाले आएंगे वो लेट में यहाँ आते हैं होली मिलने, 8-9 बजे के करीब में, तो फिर वीडियो मेरा नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं इस ब्लॉग को इसी यहीं पे एंड करूँगी, फिर आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना गाइस, फुल वॉच कर लेना। लव यू ऑल और हैप्पी होली।